नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त रोहित जोशी, एक माउंटेन बॉय, एक पहाड़ों का लड़का, पहाड़ों के देश और बादलों के शहर से आया हुआ एक पहाड़ी लड़का। आपको पता ही है मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं अपने एक फ्रेंड है जो स्कूल फ्रेंड, जो आपको याद होगा दिल्ली हाट में जो मिला था शूट करते वक्त, तो 9 साल के बाद भी मिला था, आपको पता ही है। मैंने आपसे उस टाइम में कमिट किया था कि मैं एक तो एक एपिसोड अपने दोस्त के साथ बनाऊंगा जिसमें हम अपने स्कूल टाइम की चटपटी बातें करेंगे काफ़ी सारी, तो आपको याद होगा। तो बस मैंने आपसे वादा किया था, तो मैंने आज प्लान बनाया और आज हम फिर मिले हैं और आज हम बातें करेंगे, स्कूल की चटपटी बातें करेंगे, मज़ेदार। यार तुम देखो सरकारी स्कूल में हम बड़े मज़े किए हैं, सरकारी स्कूल के लौंडे बड़े मस्त होते हैं यार, सारे काम करे हमने, बड़ी मस्ती करी हमने बहुत। तो ये रहा वो, ये हेलो, हाय गाइस। तो इसका नाम भी रोहित ही है, रोहित वर्मा। डबल रोहित हो गए। तो अब देखा आर दोनों, आज दोनों मिल गए, धूम मचा देंगे इस एपिसोड में। बहुत अच्छा लगा भाई से मिलकर, और ये मेरा फ्रेंड है और 9 साल बाद हम मिले हैं, तो एक्साइटमेंट आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा है। एक्साइटमेंट इतनी है कि मतलब रुक ही नहीं जा रहा, कि बिना वीडियो बनाए हम नहीं रुक पाए, इसलिए हमने एक ये वीडियो तैयार करी है अपनी, जिसमें हमारी गपशप होंगी और चटपटी बातें होंगी हमारी। नहीं तो ये बताते हो, मतलब इतने टाइम से था कहाँ, क्या कर रहा था तू? यार मैं इतने टाइम बाद, पहले ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद मैंने होटल मैनेजमेंट की, और उसके बाद में होटल में मैनेजमेंट। नहीं तो तू मेरा सब्सक्राइबर है, तो मेरे को तो कोई पता ही नहीं चला यार, कभी कोई कॉन्टैक्ट निकालता, कुछ करता, कुछ पता तो चलता ना कैसे। यार मैंने काफ़ी ट्राई करा, और ये जो ट्रैवल ब्लॉगर का जो मैंने तेरा यूट्यूबर को देखा, उसमें मैंने तेरा नंबर देखा, जब जाके मैंने तेरे को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, बट उस टाइम पे नहीं। अच्छा, जो तेरा जो कमेंट आया था रोहित के नाम से, वो तू ही था? अच्छा, यार अच्छा। पहले पतले पुतले थे यार दोनों, थोड़ा सा दोनों नहीं, तू ज्यादा हो गया, होटल लाइन से तू है, समझा? मैं अभी थोड़ा कम हूँ। हाँ, मुझे ना थोड़ा कम। ओके ओके, मेरे को मत कहो। दोनों रोहित है, तो आप कंपेयर कर सकते हो। और घर में सब ठीक ठाक? घर में सब ठीक ठाक है, और आंटी अंकल सब भाई बहन सब बढ़िया, एवरीथिंग इज गुड। चलो यार अच्छा ही है, ठीक ही रहना चाहिए, चलो अच्छी बात है। तेरे को पता है उस टाइम पे, तुझे याद होगा स्कूल के बाहर स्टॉल्स लगते थे, और तो 1 रुपए में वो क्या नाम है वो मिलता था, 1-1 रुपए में हम चीज़ खाने की चीज़ लेते थे। यार मुझे याद है वो 1 रुपए में चौमीन मिलती थी, और अबे इतने भी बुड्ढे नहीं है 1 रुपए में चौमीन, वो लोग क्या सोचेंगे हम क्या 40 साल के हैं। 1 रुपए में कुछ चौमीन मिलती है? नहीं, 2 रुपए का सोडा पानी मिलता था, और नहीं मैं 5 रुपए में हम लोग क्या करते थे, 2.5 रुपए की चौमीन भी खा लेते थे, और 2.5 रुपए बचते थे उससे, तुझे याद है वो रोल खाते थे, छोले कुलचे का रोल खाते थे, 5 के 2 रोल मिलते थे। हाँ, 5 के 2 रोल मिलते थे, ठीक है। और तेरे को याद है टीचर्स डे पे जब स्टॉल लगते थे, हम घर में पहले तैयारी करते थे कि पापा टीचर्स डे है और हमें स्टॉल लगेंगे, पैसे दे दो ये वो, घर वाले बहुत मार खाइए भाई साहब। तेरे को याद है वो एक गेम होता था, एक तिल्ली से 10 मोमबत्ती को जलाओ? हाँ हाँ, याद है एक तिल्ली से 10 मोमबत्ती जलाना बहुत डिफिकल्ट होता था, मगर मजा बड़ा था, हाथ भी जल जाता था कई बार, मगर उस टाइम के शौक थे हमारे, मस्त शौक थे, क्या कहें बस वो सब। और तुझे और वो याद है वो जो वो नील की बाल्टी सी होती थी, उसमें सिक्का डाल के ढूंढना? हाँ हाँ हाँ, मेरे को यहाँ मेरे को याद, एक ही चांस मिलता था, है ना। और तेरे को एक रिंग वाली गेम याद है, एक रिंग होती थी वो डाल, वो रिंग फेंक के वो जो उसमें, हाँ 10 का नोट भी लगा होता था, और साबुन लगी होती थी, टॉयज लगे होते थे, हम पता है क्या करते थे हम ना 10 के नोट पे डालते थे कि 10 का नोट हमें मिल जाएगा, लेकिन वो रिंग कभी उसमें डलती नहीं थी क्योंकि वो इतनी हल्की होती थी ना, जैसे हम उसके बाद डालते थे वो उछल के दूसरा क्रॉस कर देती थी। यार हाँ। इतना अच्छा लगा आज, मतलब स्कूल टाइम की बातें करके, और मतलब लॉन्ग टाइम हो गए थे हम मिले नहीं थे, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो इस चीज़ की है। वैसे सबसे ज़्यादा हम शरारती हम लोग थे भी, बहुत शरारती थे हम, क्योंकि नाम दोनों के एक जैसे, रोहित रोहित, टेंशन खत्म। और कई बार तो ऐसा होता था कि ये नहीं आता था तो इसकी अटेंडेंस मैं लगाता था, कभी ये मैं नहीं आता था तो ये अटेंडेंस ये लगाता था मेरी, वहाँ से टीचर ने बोलना, रोल नंबर इसका 12 था, मेरा 14 नंबर था, 14 या 15 था मेरा, इसका जब ये नहीं आता था तो इसके में मैं बोलता था यस मैडम। बच्चे ज़्यादा होते थे सरकारी स्कूल में, ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरे ख्याल से 60-70 बच्चे होते थे हम लोग, तो इतना पता नहीं चलता था, तो ये सब था काफ़ी मजा। और एक मैम का कुछ पता है, मीनाक्षी मैम थी, हमें बड़ा पीट पीट के हमें बड़ा, वो आज भी मेरे टच में है। अच्छा, टच में है आज भी मेरे टच में, तो मीनाक्षी मैम पक्का इस वीडियो को जरूर देखेंगे। एक अनु मैम भी थी, अनु मैम, अनु तलवार मैम,
वो भी मेरे टच में है, वो मेरे कजन ब्रदर है, उनकी शादी में मुझसे मिली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो अन्नू मैम को तो मैं जान। अच्छा ये बता, आपको इतना टाइम हो गया तो तेरे टच में कौन कौन है? मतलब मेरे टच में तो यार गौरव विस्त है, शिखा यादव है, प्रवीण यादव है, और कौन से यार टच में काफी अच्छे हैं, काफ़ी हैं, बट मिलना किसी से ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन फेसबुक से ही सब मुझे मिले हैं। अच्छा, और मैं फेसबुक को भी थैंक यू बोलूँगा कि उसके थ्रू मेरे को मतलब काफ़ी मेरे फ्रेंड्स मिले जो स्कूल पास आउट करने के बाद। तो अच्छा ये मैडम जो मैम है, रांची मैम थी और नीला मैम थी, वो सब मतलब टच में है? वो सारे मेरे टच में हैं, बट वो यार एक काम ऐसे करते हैं ना, हाँ। कि एक कोई ट्रिप बनाते हैं जिसमें मतलब अपन लोग चलेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, जैसे सारे यार दोस्त हो गए स्कूल के, ठीक है, तो इस टाइप का कुछ बनाते हैं। चल ले यार, इस टाइम तो घर पे ही हैं, सब खाली हैं, और चल एक पहाड़ों के साइड में कोई लॉन्ग ट्रिप ले लेते हैं। सारे हो जाएंगे यार दोस्त, इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा। है बिल्कुल, व्यू कितना अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा है। तो अपने सब्सक्राइबर को भी दिखाओ, सब्सक्राइबर तो देखेंगे ही, और हाँ जो नए सब्सक्राइबर है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तू भी बोल भाई, तेरे भी यार दोस्त देखेंगे तो प्लीज़ माय ऑल फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर, मेरा फ्रेंड मुझे मिला है 9 साल बाद, तो प्लीज़ सपोर्ट एंड ये बहुत अच्छे लेवल, हिंदी बोल ले यार, ये बहुत अच्छे लेवल पे इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल ले, बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को इंग्लिश नहीं बोल पा रहा और इंग्लिश में बोल रहा है, ये बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है, हमें नॉलेजेबल भी, हर चीज़ की नॉलेज भी मिल रही है। तो प्लीज़ आपकी हमारे इस वीडियो बनाने से अगर आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करोगे तो इसकी भी बहुत हिम्मत बढ़ेगी और मैं इसको फुल सपोर्ट करूँगा, और मेरे से जितना हो पाएगा मैं इसको फुल सपोर्ट में। हाँ वो तो ठीक है। अब ये पता कि अगर घूमने का प्लान बनाते हैं तो कहाँ जाएंगे बेटा? भाई कहीं पहाड़ों में चलते हैं, माउंटेन बॉय है, मेरे को भी थोड़ा सा दिखाइयो क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मुझे मेरे को भी नहीं पता, तो थोड़ा सा तेरे साथ में मैं भी चीज़ों को जान लूँगा, और घूमने का तेरे साथ तो अलग ही मज़ा हो। तू ये कि यूट्यूबर है, तो मैंने सुना है कि यूट्यूबर तो बड़े ही मतलब ऐसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर मतलब जाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता। वो तो है यार, तभी तो मशहूर होते हैं अपन लोग। तो फिर इसलिए अब तेरी तरफ से क्या स्पेशल है ये देखना है। चलो ये तो सरप्राइज़ है, अब कहाँ जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे तो देखते हैं, बाकी अपने सब्सक्राइबर्स को पता चल जाएगा, जब बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि अपन लोग कहाँ जाने वाले हैं। वैसे अभी सारी चीज़ मैं अभी बता दूंगा आपको वीडियो में, तो फिर मज़ा ही किस बात का है ना। तो चलो देखते हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखो कहाँ का हमारा टूर लगता है, मगर जहाँ का भी होगा हम नई किसी जगह को एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ के बारे में बताएंगे। तो चलो अभी चलते हैं, बाय।